Hello everyone, I'm Akanksha Chauhan and welcome to our YouTube channel Our Education, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली कोई ना कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम को एक IAS एग्जाम भी कहा जाता है, ये हम सबको पता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC हर साल जून के महीने के दौरान ही इस एग्जाम को बेसिकली कंडक्ट कराती है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए देश के लाखों स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी के कई साल तैयारी करने में ही बिताते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करने का जो सक्सेस रेट है वो 0.2% है, यानी कि 1000 में सिर्फ 2 लोग ही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट्स का जो परसेंट है इतना कम रहने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्टूडेंट्स साल साल भर तैयारी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है? कुछ स्टूडेंट्स सालों साल तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी कि आखिर उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं। पहला है प्रॉपर प्लानिंग। IAS एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाने की सबसे बड़ी जो वजह में से एक वजह है वो यही है कि बेहतर प्लानिंग की कमी होती है। स्टूडेंट के पास पूरे सिलेबस को सही तरीके से सही टाइम पर ख़त्म करने की प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस में से क्या पढ़ना है, किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, कितना पढ़ना है और कितना UPSC और किस ढंग से UPSC पूछती है। और अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, तो बहुत सी मुश्किलें जो हैं ऑब्वियसली आपको आएंगे। UPSC एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो ना करने का जो अगला रीज़न है वो क्लैरिटी है। कुछ UPSC एस्पिरेंट को CSE में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है इस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं होती। कैंडिडेट्स को किताबें जमा करने से बेहतर हर सब्जेक्ट की एक या दो अच्छी सी बुक चूज़ करके उनको बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप अलग अलग किताबें खरीद खरीद के पढ़ें, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और रिवीजन कुछ नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को NCERT बुक्स जो हैं कुछ स्टूडेंट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रिपरेशन से पहले NCERT को पढ़ के अपने पहले बेसिक्स क्लियर करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगला रीज़न एग्ज़ाम क्लियर ना करने का है वो है लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चंस के ट्रेंड को ना जानना। UPSC CSE को क्लियर नहीं करने की जो वजह है वो यही है कि लेटेस्ट सिलेबस ही है। कई बार हम क्या करते हैं, उसी पुराने सिलेबस में अटके रहते हैं, और होता ये है कि हम ढंग से कई बार सिलेबस समझ ही नहीं पाते। प्रेजेंट टाइम में UPSC अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। UPSC एक डायनेमिक एग्ज़ाम है जो स्टैटिक नहीं है, सेम नहीं रहता, और ये हर साल अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है। किसी साल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो किसी साल आप देखोगे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी साल ज्योग्राफी से नहीं आते लेकिन करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली डायनेमिक नेचर है UPSC एग्ज़ाम का और ये चेंज होता रहता है, तो वही आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद अगला रीज़न UPSC क्लियर ना करने का वो ये है कि मॉक टेस्ट कई बार स्टूडेंट्स देते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कितना आता है और कितनी और आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, और या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए, और फिर जो भी गलती है, जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी। कुछ लोग केवल पढ़ने पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। पूरे सिलेबस को पूरी तरह से रिवाइज करके इन्फॉर्मेशन याद रखना तो ज़रूरी है, बट आपको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो रिवीजन में ध्यान नहीं देते, लेकिन अलग अलग बुक से पढ़ते रहते हैं बट रिवीजन वो करते नहीं। तो बेहतर इतनी सारी किताबों को ना पढ़ें,
एक ही बुक को बार 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 पढ़ें, कम से कम 3 से 5 बार एग्ज़ाम से पहले तो आपको पढ़नी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ रीजंस हैं जो बहुत से स्टूडेंट को सालों साल लगा देते हैं यूपीएससी क्लियर करने में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, तो इसको और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।